साल की नौकरी है उसकी, 14 साल में उसने केवल 10 साल में 14 साल में केवल उसने 2 साल नौकरी की होगी, और उसके ऊपर 5 SF5 चल रही है जिनकी इंक्वायरी चल रही है। वो जब ड्यूटी पे मुरादाबाद से ड्यूटी अधिकारी द्वारा मिल जाती है, जाके ड्यूटी ली उसने, उसके बाद उसको SF5 मिलती है, SF5 की उसकी इंक्वायरी शुरू होती है। जैसे ही इंक्वायरी ऑफिसर डिप्यूट होता है, उसको पता लग जाती, पता क्या लगता है, रोस्टर लिख जाता है कि आज आपकी इंक्वायरी है, फिर वो फरार हो जाता है, फिर वो 5-6 महीने के लिए गायब हो जाएगा। इसी तरह वो अपना जीवन व्यापन कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं? अब फरार है, मिल ही नहीं रहा। अब कैसे करेंगे तिरस्कार? अब उनसे कहा हम लोग सब मिलकर करेंगे स्टाफ के। अच्छा, आप फोन पे कई बार वो जो है पुलिसों का कि हम आ रहे हैं आसा से, फोन पे मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, और कल मेरी उसकी बात हुई थी, मुझसे बोला मैं लखनऊ में हूँ भैया, और मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, मैं किसी का एहसान नहीं लूँगा। किस तरीके से शर्म आती है ऐसे बेटों पर? बहुत शर्म आती है सर, और हम स्टाफ वालों को भी बहुत शर्म आती है ये चीज़ देखते हुए कि हमारे चेकिंग ब्रांच का आदमी इस तरह की काम कर रहा है, और इसकी वाइफ का जो है तलाक का भी काम चल रहा है इसका।